आप तक पहुंच जाए। घर पे जाके और सिर्फ इन चार मिसरों को महसूस कीजिएगा, सोचिएगा, और अगर उस वक्त इन चारों मिसरों में आपको कोई बात लगे तो हसन वास्ती को दुआ जरूर दे दीजिएगा। मैं सिर्फ चार मिसरों से इस्तकबाल कर रहा हूँ मोहतरम जनाब डॉक्टर इरफान मुतरोनी साहब का। हुजूर सुनिए, कहाँ गए हमारे निहाल भाई, जज़ाकअल्लाह। सुनिए, चार मिसरे पेश करता हूँ, यहाँ भी होगी जियारत, वहाँ भी होगी, समाप्त पेश कर रहे थे। मैं चार मिसरों से डॉक्टर इरफान मुतरोनी साहब का इस्तकबाल कर रहा हूँ कि बेअसर नींद की तासीर ने आंखें झूमी। आप बोलिए न बोलिए कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, लेकिन महसूस कर लीजिएगा अगर बाद में घर में जाके ये चारों मिसरे आपको पसंद आए, जहन में महफूज रहे, तो हसन वास्ती को दुआ जरूर दे दीजिएगा। हाजिर करता बेअसर नींद की तासीर ने आंखें चूमी, ख्वाब ऐसा था कि ताबीर ने आंखें चूमी। सबसे पहले मैं आज इस जश्न के मुबारक बाद आपको पेश करता हूँ, और बगैर किसी तमीज का भी वक्त नहीं है, और एक अपने वक्त खत्म भी करना है महफिल को, और अगले साल के लिए मुलतवी करना है, तो इसके लिए जल्दी जल्दी अशआर पढ़े जाएं। हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाइए कि नाम अब्बास का लेने को जो तैयार नहीं, नाम अब्बास का लेने को जो तैयार नहीं, मेरा दावा है कि मां उसकी वफा।
सुनने को तैयार। और ये विषय मैं चौथे वहां के पास मार्ग में नजर करता हूं। आइए के 700 कुर्सी नशीनों ने ये आपस में कहा, क्या कहा? के 700 कुर्सी नशीनों ने ये आपस में कहा, हम जिसे समझते बीमार। जो तेरे चेहरे पर अभी नकाबा की है, जो तेरे चेहरे जो तू न होता तो दुनिया ज़ईफ हो जाती, जो तू न होता तो दुनिया ज़ईफ हो जाती, तेरे शबाब से इस पे शबाब। जो तू न होता तो दुनिया ज़ईफ हो जाती, तू ही है वारिस कुरान जो तेरे होने से, तू ही उठा दे पैदा तो देखे ये
बहुत जल्दी से, क्योंकि मैंने देखिए नमकता भी नहीं पड़ा और सारे अशार भी नहीं पड़े, बहुत
मुझे ख्याल है और बहुत जल्दी से मैं एक कलाम पढ़ना चाहता हूँ कि इमाम जब तशरीफ लाएंगे तो क्या मंजर होगा। तो सही मिलजुल के नारे से बात पर्वत से जल्दी आने वाला क्या क्या होगा मौला जब तशरीफ लाएंगे। पर्वत से जल्दी आने वाला आएगा पर्दे गैबत से जल्दी आने वाला आएगा। बातिल के झंडे उतरेंगे हक का आलम लहराएगा आने वाला आएगा हक का आलम लहराएगा आने फतवा साजों की दुकानों में ताला लग जाएगा। फतवा साजों की दुकानों में ताला लग जाएगा। देखना एक दिन पर जमेबाजी काबे पर लहराएगा आने वाला आएगा हक आलम लहराएगा। तमन्ना मौला अपनी आंखों से मैं देखूं तेरा रोजा मौला परचमे हजरते अब्बास हो काबे पे नसब करबला देखती है आपका रास्ता मौला। ये तो मुमकिन नहीं है कोई खुदा को देखे है मगर आरजू देखूं तेरा चेहरा मौला। आने वाला आएगा। अब देखिए शेर करता हूं कि नूर इमाम महदी से जब दुनिया होगी नूरानी। नूर इमाम महदी से जब दुनिया होगी नूरानी सूरज अपनी धूप को लेकर बादल में छप भर जाएंगी सबकी जेबें खुशहाली के सिक्कों से भर जाएंगी। कोई किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैलाएगा। सबकी जेबें खुशहाली के सिक्कों से भर जाएंगी। कोई किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैलाएगा आने वाला आएगा हक का आलम लहराएगा। और ये भी शेर करता हूं कि फारिस अहमद मुरसल है वो खून अली है रग रग में। फारिस अहमद मुरसल है वो खून अली है रग रग में। पहले करेगा चांद के टुकड़े फिर सूरज पलटाएगा। फारिस अहमद मुरसल खून अली है रग रग में। फारिस अहमद मुरसल है वो खून अली है रग रग में। पहले करेगा चांद के टुकड़े फिर सूरज पलटाएगा आने वाला आएगा हक का आलम लहराएगा। ये शेर मुलाजा फरमाइए कि आएगा तलवार लिए जब
वारिस हैदर हैदर की आएगा तलवार लिए जब वारिस हैदर हैदर की आएगा तलवार लिए जब वारिस है ये अर्थ में क्या हो रहा है कि अभी शोरा इकराम हमारे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मतलब आप हम लोग सुधर जाए वरना मौला आ तलवार हमारे लिए थोड़ी ना आ रहा। अब देखिए यहाँ से देखिए हाजिर किया किसके लिए आ रहा है। सू की बात की गई है वो तो कोई बताता ही नहीं है, है ना। वो भी बोलिए उसको बताइए है ना। मुलाजिम फरमाइए हाजिर करता हूँ कि आएगा तलवार लिए जब वारिस हैदर हैदर की आएगा तलवार लिए जब वारिस हैदर हैदर की चौराहे पर दुश्मन सहरा उस दिन मारा जाएगा। अब दो शेर इशारा हासिल करता हूँ आखिरी के बाग बदर के गासिब तब कब्रों से निकाले जाएंगे। बाग बदर के गासिब तब कब्रों से निकाले जाएंगे। कौन है वारिस बाग बदर का सबको पता चल जाएगा। आने वाला आएगा हक का अलम लहराएगा। और ये शेर आखिरी शेर मकदम करिए मुलाजा फरमाइए हाजिर करता हूं कि सारे सऊदी और यहूदी देखते ही रह जाएंगे। सारे सऊदी और यहूदी देखते ही